मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं। आपको पता है मेरे टेडी बेयर को आज बुखार था। आपके टेडी बेयर को? मैं फाइज हूँ शुक्राना। फाइज? कौन फाइज? सीरियसली? ये क्या बेहूदगी है अम्मी? ये बेहूदगी नहीं, अफसोसगी है। मुझे अपनी बहन की हालत पर बहुत अफसोस है। भाई प्लीज, शुक्राना अब भी मेरी दोस्त है, लेकिन प्लीज आप अम्मी के सामने उसका नाम मत लीजिएगा। वो तो ठीक है बतूल, मगर मैं शुक्राना को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुराब, मैं अपने बच्चे को यहाँ महफूज नहीं देखती। असल तुम हार मान ली, तुमने मुझसे वादा किया था। वादा मेरे और तुम्हारे दरमियान हुआ था तुराब, हमारे बच्चे के दरमियान नहीं हुआ था। बतूल, वो लम्हा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरे करियर का पेशेंट कोई और नहीं बल्कि शुक्राना थी। क्या शुक्राना एक साइकाइट्रिस्ट के पास? हाँ बतूल, मेरे जाने के बाद क्या कुछ हो गया? तभी वो कॉलेज नहीं आ रही थी। भाई शुक्राना की कंडीशन एक तरफ, लेकिन अब ये भी तो सच है ना कि वो किसी और की लाइफ पार्टनर है। बतूल भाई प्लीज, शुक्राना अब भी मेरी दोस्त है, लेकिन प्लीज आप अम्मी के सामने उसका नाम मत लीजिएगा। अम्मी आज तक वो इंसल्ट नहीं भूल पाई है। वो तो ठीक है बतूल, मगर मैं शुक्राना को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। अभी दो रकअत शुक्राने के नमाज पढ़ के आई हूँ मैं कि मेरे रब की जात ने इतने अरसे बाद मेरे बेटे से मुझे मिलवा दिया। बैठ जाओ मेरा बच्चा, बैठो। क्या बातें हो रही थी दोनों भाई बहनों में? अम्मी वो दरअसल। अच्छा सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मेरी बहू को अपने साथ क्यों नहीं लाए? मेरा बहुत दिल चाह रहा था उसको देखने का। उसको यहाँ पे आना क्या पसंद नहीं है बेटा? ना ही वो आज तक कभी स्काइप पे आई, ना फोन पे तुमने उससे बात करवाई मेरी। और तो और जब से आए हो एक मर्तबा भी उसका जिक्र नहीं किया तुमने। क्या वो हमें नापसंद करती है? अम्मी ऐसी बात नहीं, एक्चुअली बात ये है कि। बोलो बेटा। अम्मी मुझे माफ कर दें, मैंने आप दोनों के साथ गलत बयानी की। गलत बयानी? जी अम्मी, मैंने वहां कोई शादी नहीं की। क्या इतना बड़ा झूठ तुमने इतनी आसानी से मेरे साथ बोल दिया? मैंने तो अपने औलाद की ऐसी तरबियत नहीं की थी कि वो इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कर सके। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बाशऊर औलाद अपनी माँ के एहसासात का इस तरह मजाक उड़ाए। सॉरी अम्मी। सॉरी अम्मी, अम्मी मैं मजबूर था। अम्मी
नहीं, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। मैं आपका मुजरिम हूँ, आप मुझे जो सजा देना चाहें दे दें, मगर अगर आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें एक बार भी माँ के अरमानों का बिल्कुल ख्याल नहीं आया? एक वक्त था जब तुम लोग मुझसे हर बात हर राज शेयर किया करते थे एक दोस्त समझ के, और तुम लोग अपने राज मेरे पास अमानत रखते थे। लेकिन आज अम्मी, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान करने का सबक भी तो आप ही ने सिखाया ना हमें। इसे कुर्बानी नहीं कहते, इसे रिश्तों का मजाक उड़ाना कहते। किसकी खुशी की खातिर ये सब कुछ तुम कर रहे हो फाइल? वजह बताओ मुझे, किसके लिए कर रहे हो ये सब कुछ? आपके लिए मेडिसिन ली थी? हाँ। डॉक्टर, आप मेरा नाम जानते? हाँ। आपका नाम डॉक्टर है? मैंने अपने घर जाना है, अपनी अम्मी के पास जाना है मुझे। बहुत जल्द जाएंगे हम आपके घर। आप क्यों जाएंगे मेरे घर? इसीलिए क्योंकि आपको यहां अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा लगता, डर लगता है मुझे यहाँ। किससे? पता नहीं। आपको याद है किसी ने आपसे एक मर्तबा कहा था कि मैं आपके दिल में रहता हूं मेरे लिए इतना ही काफी है। घर जा रही हूं। अभी रिलैक्स, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ना तब आपके घर जाएंगे। आप तो नहीं आएंगे ना घर? नहीं। क्यों? पता नहीं। लेट जाइए, रिलैक्स। किसको भी लेटा दूं?
कहाँ जा रही हो? बताया तो था तुम्हें कि शुक्राना को देखने जाना है। अरे क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हूं मैं, यहाँ किसको मेरी फिक्र है। अरे बेटा बताओ तो सही ना। कुछ नहीं, कल से वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहे हैं। आपकी बहू से कहा था जूस बना दे, लेकिन उसे तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं है। अभी कान खींचती हूँ इसकी। रहने दें, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस आप थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाएं। लेकिन बेटा मुझे तो हॉस्पिटल। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। एक बच्चा क्या पैदा कर रही है, लगता है हमारे पूरे खानदान पे एहसान कर रही है ये। क्या डिवोर्स? जीरो। ये आप क्या कह रहे हैं, और कैसे हो सकता है? ये मेरा मतलब है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस ट्रीटमेंट के स्टार्ट होने से पहले कहा था कि शुक्राना के बारे में जो भी बात है आप मुझे उससे आगाह करेंगे। आपने कैसे छुपा ली मुझसे इतनी बड़ी बात? आप तो समझते हैं ना इस एज में मेडिकल ट्रीटमेंट और घर वालों को ये सब कितना मुश्किल होता है। देखिए मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आपको इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए। I'm sorry, डॉक्टर, मगर आप बस प्लीज मेरी बहन को ठीक कर दें। और सबसे बड़ी बात ये कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है, तो हमेशा से बहुत ही लविंग और केयरिंग लड़की रही है, सबको खुश देखने वाली रही, और हम उसका हर तरह का ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार हैं। अगर आप समझते हैं कि किसी बड़े डॉक्टर को रेफर करना है, तो प्लीज गो अहेड। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। शुक्राना माशाल्लाह से काफी इंप्रूव कर रही है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएंगे। ये बताओ आज का दिन मेरी वाइफ का कैसा गुजरा? आज का दिन तो बहुत बिजी था शारिक। अच्छा, घर में के कामों की वजह से? नहीं नहीं, वो मेरी पुरानी स्कूल की फ्रेंड घर पर आ गई थी ना, इसलिए। अच्छा, यहाँ पर? हाँ हाँ, यहाँ घर पर ही, बल्कि वो तो आपसे और आंटी से भी मिलने के लिए जिद कर रही थी, पर आप लोग तो घर पर नहीं थे ना। अच्छा, तुमने कभी जिक्र नहीं किया अपनी फ्रेंड का? हाँ बस कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, बल्कि मैं, बतूल और शुक्राना, हम तीनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे। कौन? शुक्राना? हाँ शुक्राना, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेडिकल पढ़ रही है ना वो। अच्छा, तो वो रहती कहाँ है? पता नहीं, पहले तो PCHS में रहती थी। PCHS में? अच्छा, हाँ क्यों, क्या आपका कोई जानने वाला रहता है वहाँ पे? और आप क्यों पूछ रहे हैं शुक्राना के बारे में? नहीं नहीं, वो तो मैं वैसे ही बस तुम्हारी दोस्त ही, तो इसलिए। क्या वो तुमसे अभी कॉन्टेक्ट में है? कौन, बतूल या शुक्राना? बताएं किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? कुछ नहीं यार, तो बस वैसे ही सोच रहा था। अभी तो आपने पूछा मेरी बेस्ट फ्रेंड शुक्राना के बारे में। ओहो, तुम भी एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। अच्छा बाबा, ओके सॉरी। अच्छा सुनो, मुझे एक कप चाय तो मिल ही सकती है ना, बाहर से बहुत थका हुआ हूं मैं। अभी लेके आती हूं। Thank you.
शुक्राना सानिया की दोस्त, ये कैसे हो सकता है? मॉम सोचने की बात ये नहीं है कि शुक्राना सानिया की दोस्त कैसे है, प्रॉब्लम ये है कि अब हमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। तुमने सानिया से मजीद तफसीलात पूछी? नहीं मैंने नहीं पूछी, इस तरह से शक हो जाता। हाँ ये बात भी ठीक है, अधूरे काम को जल्द अज जल्द कंप्लीट करना होगा मॉम। तो करो ना कंप्लीट, हम कब से इस काम पे लगे हुए। सबसे पहले तुम अपनी बीवी से जाके कहो कि अपनी सारी दोस्तों से कांटेक्ट खत्म कर दो। नहीं मॉम मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता, इसके लिए भी मुझे कोई प्लॉट बनाना होगा। हाँ तो बनाओ ना प्लॉट, कब से हम काम कर रहे हैं इस पर। आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द ये सब हो जाएगा। हाँ हाँ आप एक काम कीजिएगा, मुझे अपना पासपोर्ट दे दीजिएगा, मैं वीजे के लिए अप्लाई करूँ। और तुम? मेरी फिक्र ना करें, मैं ये सानिया के मामले को जल्द अज जल्द क्लियर करके आ जाऊँ। देखो बेटा सब कुछ बहुत एहतियात से करना, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में काम खराब हो जाए। काम खराब नहीं होगा, बस आप रेडी रहें और मेरे ग्रीन सिग्नल का वेट करें। ठीक है बेटा। और हाँ वो मैंने आपके फॉरेन अकाउंट में कुछ करेंसी डिपॉजिट करवाई है, बस आप एक बात का एहतियात रखिएगा, सानिया को उसके फ्रेंड वाले मामले के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है बेटा तुम फिक्र मत करो, बस तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करती हूँ। ठीक है नजर आ गया। वक्त तक शामिल है उसकी जिंदगी में, यह हॉस्पिटल है और मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। तुझसे बहुत पुराने साहब चुकता करना है। मैंने कहा यहाँ से चुपचाप चले जाओ। आपा ऐसा नहीं कर सकते। कौन समझाएगा अम्मा आपको, ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। वो मेरी बहन है। ये तूफान से पहले वाली खामोशी है। मुझे दुख हो रहा है कि मैंने खुद को पीछे करके तुम्हें आगे करने की गलती की। मतलब? Because you are a loser. के मोबाइल से सारे फ्रेंड्स के नंबर ही डिलीट कर देता। शारिक? हाँ सानिया मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। एक्चुअली मुझे तुम्हारा सेल फोन चाहिए था, मेरा फोन खराब हो गया है। मेरा सेल फोन? नहीं इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, मैं कल तक मेरा फोन बन जाएगा, मैं तुम्हारा लौटा दूंगा फोन। तुम्हारी कोई जरूरी कॉल तो नहीं आनी ना? नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। ठीक है शारिक वो मम्मा की कॉल आई थी। अच्छा हाँ नेक्स्ट वीक वो आ रही हैं। क्या? अच्छा है ना सरप्राइज की बात। हाँ है तो। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं यार बस यही सोच रहा था, तक प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ बिजनेस का, बस इसी सब टेंशन में लगा हुआ था। डोंट वरी मैं हूं ना। थैंक यू, चलो फिर मैं चलता हूँ। हाँ व्हाई नॉट। अच्छा शारिक हाँ ये आंटी ने देने के लिए कहा था आपको। ये क्या है? प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। ओ अच्छा
ठीक है फाइन, अब मैं चलता हूँ। हाँ आज मुझे फील हो रहा है मैंने यहां से जाकर क्या कुछ खो दिया है। मैं तो सब कुछ ठीक करने के लिए गया था और यहां कर सब कुछ खराब हो गया। मेरी मासूम शुक्राना पर कितना जुल्म हुआ है। वो शुक्राना जिसके चेहरे पर मुझे देख के मुस्कुराहट आ जाती थी और आज वो मुझे पहचान तक नहीं रही। भाई आप प्लीज परेशान ना हो, जिस दिन वो ठीक हो जाएगी ना उस दिन फिर से वो आपको देखकर मुस्कुराएगी, उसकी हंसी लौट आएगी। क्या मैं इसलिए साइकेट्रिस्ट बना था कि मैं अपनी ही शुक्राना का इलाज करूं, जिसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मैं दिन रात दुआएं करता था कि बस वो ठीक रहे। भाई कुछ भी हो पर आपकी दी हुई कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। आपने शुक्राना की खुशी के लिए अम्मी की नाराजगी को मोल लिया है। मैं तो उसे हमेशा खुश देखना चाहता था भाई, लेकिन जो दुख उसके नसीब में लिखे हैं वो तो उसको झेलने ही होंगे ना। काश काश कि मैं यहां से ना जाता। ऐसा मत कहें भाई, अम्मी कहती है ना कि काश का लफ्ज इंसान की तकदीर पर ईमान को कमजोर बना देता है। आप प्लीज यकीन रखिए कि वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह।
कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, और तुम यहाँ बैठी डॉक्टरों के साथ खेल रही हो। आप कौन? आप आप छोड़ो इधर आओ। हाँ, नहीं, मेरे पास नहीं है। 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 बाहर चलो, बाहर चलो। डॉक्टर, वो शुक्राना के रूम में पता नहीं कौन आदमी आ गया, उसको देखिए बहुत रिएक्ट कर रही है, आप प्लीज जल्दी से चले। कुछ नहीं कर रहा। मरा नहीं अभी तक, अब तक शामिल है उसकी जिंदगी में। यह हॉस्पिटल है और मैं यहां का डॉक्टर हूं। तुझसे बहुत पुराने साहब चुकता करना है, और आज तो मौका भी अच्छा है। मेरा मशवरा यह है कि चुपचाप यहां से चले जाओ। देख, मुफ्त का मशवरा मुझे चाहिए नहीं, और चुपचाप मैं जाने वाला हूं। तो अब तू देख, मैंने कहा यहां से चुपचाप चले जाओ, मैं कार्ड्स बुलवा कर धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। नेक्स्ट टाइम गेट आउट। डॉक्टर शुक्राना की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हाँ, प्लीज ट्रैंक्विलाइजर तैयार। जी। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहती। नहीं नहीं वफा अपी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो फिर जल्दी से मुझे एड्रेस टेक्स्ट कर दो। तुम्हें वो फैनिदा आंटी याद है जो अपने पुराने मोहल्ले में रहती थी? वो और उनकी फैमिली आने वाली है। लेकिन अम्मी, वो लोग क्यों आ रहे हैं? फाइल्स को देखने के लिए। दबाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। मैं हूं ना आपका डॉक्टर, डॉक्टर फाइज, डॉक्टर फाइज, कोई गला नहीं दबाएगा आपका। वो चला गया, चला गया वो। आप मेरा गला नहीं दबाए, खुद ही कर गई। आज 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 नहीं, मेरे भाई बहन, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। बैठो आराम से, आराम से। मेरा गला नहीं दबाना। कब आंखें खोलोगी अम्मा? मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये सारा ड्रामा सिर्फ हमें खुद से अलग करने के लिए रचाया गया है, समझो अभी भी। खुद को जरा काबू में रखो शहरोज, मैं सोच रही हूं ना, मतलब बात ही खत्म होगी ना। कुदरत ने एक बार फिर उसे मेरे सामने लाकर खड़ा किया है अम्मा, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपा ऐसा नहीं कर सकते। कौन समझाएगा अम्मा आपको, ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, भूल गई क्या? वो मेरी बहन है। उस घर में हर इंसान मेरा दुश्मन है जब तक शुक्राना मेरी नहीं हो जाती।
ये एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये बैठे बिठाए तुम्हारी जिंदगी में भौंचाल कैसे आ गया? है एक हमदर्द, उसने बदल दिया मुझे। अच्छा, जरा मुझे भी पता चले कि कौन है वो हमदर्द। इतनी जल्दी क्या है अम्मा, वक्त आने पे बताऊंगा ना तुम्हें। फिलहाल तुम सिर्फ और सिर्फ खाला से ताल्लुकात बढ़ाओ बस। और वो तुम्हारा अब्बा? अब्बा अगर अब्बा को मैं अजीज हुआ तो वो इस बार भी मेरा ही साथ है। और मैं जानता हूं कि शहरोज इतनी आसानी से शुक्राना का पीछा नहीं छोड़ेगा। भाई इस तरह तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन इस दफा मैं उसे कुछ होने भी नहीं दूंगा। भाई इतना गुस्सा आप में मैं पहली बार देख रही हूँ। प्लीज आप कुछ भी करने से पहले अम्मी का रिएक्शन जहन में जरूर रखिएगा। हाँ तुम बेफिक्र रहो, मैं उन्हें समझा लूंगा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, शहरोज चुप नहीं बैठेगा, मैं जानता हूं। और मजे की बात यह कि इस दफा मैं भी खामोश नहीं बैठूंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं शुक्राना को कुछ नहीं होने दूंगा। क्या बात है कजिन, बड़ी खामोशी है, कल तो तुम बड़ी डींगे मार रहे थे। ये तूफान से पहले वाली खामोशी है। तूफान, मुझे दुख हो रहा है कि मैंने खुद को पीछे करके तुम्हें आगे करने की गलती की, क्योंकि तुम्हें वक्त की वैल्यू नहीं है। मतलब तुम नाकाम रहे, यू फेल्ड, क्योंकि मैंने शुक्राना को ठीक करके उसे अपनाने की अपॉर्चुनिटी तुम्हें दी थी ताकि मुझे फायदा हो, लेकिन अब लगता है कि उसे बीमार रखकर ही मुझे अपना फायदा हासिल करना पड़ेगा। मैं ठीक कर दूंगा उसको। माय डियर कजन, तुम अपना दिमाग ठीक करो। मिला पे गई हैं, कितनी भी दुआएं करने आप एक पे नहीं लगनी आपकी शुक्राना को। कोई काम था अम्मी से? नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। मुझे नीचे नहीं जाना। शुक्राना थोड़ी देर लॉन में वॉक करेंगे फिर वापस आ जाएंगे। मैं नीचे गिर गई तो? आप गिरेंगी नहीं, मैं गिरने नहीं दूंगा। क्यों? क्यों मतलब? वहां बैठना मुझे, मैंने नीचे नहीं जाना। ठीक है यहाँ बैठते हैं। अब ठीक है? ओ, वो आया था। कौन आया था? वो जो कल भी आया था। कल आया था? यहाँ आया था? नहीं यहाँ नहीं, यहाँ आया था मेरे ख्वाब में। मुझे कह रहा था कि वो मुझे जान से मार डालेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं कह रही हूँ मुझे बहुत मारेगा वो। शुक्राना, शुक्राना, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि मैं आपके साथ हूं। वैसे भी जब पुरानी मोहब्बत सामने आ जाए तो उसके आगे तो कुछ और दिखाई नहीं देता ना। क्या मतलब? आपा वो लड़का कोई और नहीं, शुक्राना के कॉलेज वाला लड़का है। क्या? मैं वफा हूँ, बतूल और फाइज की कॉलेज फेलो, शुक्राना की बहन। क्यों फाइज? और आप ना सिर्फ मेरी बहन शुक्राना बल्कि मेरे भाई तुराब को भी पूरी तरह शीशे में उतार चुके हैं। हाँ, ये क्या बदतमीजी है बहन, आपने हमें यहाँ जलील करने के लिए बुलाया है? इसलिए उसे आज भी मेरी बेटी से मुफाद चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? और मेरे लिए मेरे पेशेंट्स मेरी हर जाती मसरूफियत से ज्यादा अहमियत रखते हैं। वो एक जनरल बात है। क्यों, तुम शुक्राना के एक्स्ट्रा केयर नहीं कर रहे थे? तुम खुलकर कहो, कहना क्या चाह रही हो? और आप, मैं तुम्हें एक राज बता रही हूँ, लेकिन तुम वादा करो तुम उस पर रिएक्ट नहीं करोगे।